एंड हेयर वी गो गाइस, मेरा शाओमी 11T प्रो। मैंने वन प्लस क्यों नहीं लिया, आईफोन क्यों नहीं लिया, रेडमी ही क्यों लिया, इसके बारे में एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। अभी इस वीडियो में ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहेगी जिसमें मैं इसकी ए टू जेड डिटेल्स दूंगा। अगर कहीं से कोई डिटेल मेरे से छूट जाए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दें ताकि और भी जान सकें। इसको अभी हम ओपन करते हैं एंड हेयर वी गो। डिज़ाइन बाय शाओमी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर फोकस में हो तो। इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट ओपन करके देखते हैं एक बार। इसमें जो है यहाँ पे अपना सिम इजेक्टर और ये है अपना टाइप सी टू 3.5 mm, आपको फोकस नहीं है शायद, टाइप सी टू 3.5 mm अपना अडेप्टर इसके साथ मिलता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये केस अपना ट्रांसपेरेंट केस जो 6 महीने के अंदर येलो कलर हो जाता है, यहाँ पे बुकलेट मिलती है। इन सारी चीज़ों को साइड करते हैं हम एक बार। इधर हेयर इज अवर फोन ना, देखो ये है अपना MI 11T प्रो। फर्स्ट इम्प्रेशन लुक एट दिस, देखो कितना प्यारा। इसमें मैं अपना BGMI अभी डाउनलोड कर चुका हूँ एंड पीछे से 3 कैमरे हैं, 3 ही कैमरा हैं बट ये 4-5 वाला काम कर देंगे। काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज, मैंने इसका थोड़ा ग्रेश ब्लैक लिया है, मैट फिनिश है। और देखते हैं इसके अंदर क्या है बॉक्स में। हेयर इज अवर ओ माय बीस्ट 120 वॉट फास्ट चार्जिंग कंपनी 15 मिनट्स इसको क्लेम करती है कि 15 मिनट्स में 100% चार्ज हो जाता है, बट ये जो है 17-80% 100% चार्जिंग कर देता है। इट्स अ फास्ट चार्जिंग एंड हेयर इज अवर टाइप सी डाटा केबल। बाकी अंदर कुछ नहीं है तो इसको अभी कर देते हैं साइड में। सो ये है अपना शाओमी का 11T प्रो। इसके बारे में डिटेल आपको बता दूं जल्दी से, 888 स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ आता है। स्टीरियो स्पीकर्स हैं इसके, ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी स्टीरियो अपना एक्सपीरियंस देंगे बोथ साइड का, मतलब 120 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ ही आता है। टाइप सी टू 3.5 mm अडेप्टर इसके केस के अंदर आता है, 120 वॉट का फास्ट चार्जर भी इसके अंदर आता है, टाइप सी डाटा केबल भी इसके अंदर आती है और ये आपके सामने फ़ोन भी इसके अंदर आता है। इसके अंदर इसका केस भी आता है ट्रांसपेरेंट वाला जो 6 महीने के अंदर येल्लो हो जाता है, और सिम इजेक्टर भी उसमें ही आता है। 120 फास्ट चार्जिंग के साथ बाय डिफ़ॉल्ट ये सपोर्ट करता है, बाय डिफ़ॉल्ट 120 फास्ट 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। वी डू नॉट हैव टू, मतलब सेटिंग्स में जाके कुछ भी ऑन नहीं करना पड़ता। और टाइप सी यहाँ पे टाइप सी इसमें सपोर्टेड है, और इसमें यहाँ पे सिम इजेक्टर, यहाँ इसमें डुअल सिम लगती है, कार्ड स्लॉट प्रोवाइडेड नहीं है क्योंकि मैंने जो लिया है 12 GB 256 GB वाला लिया है रोम एंड रोम। और इसमें फिंगरप्रिंट जो है साइड में माउंट है, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट इसमें नहीं है। बाकी इसमें अगर इसका वेट हम देखा जाए तो वेट इसका लाइट वेट नहीं बोल सकते हम, 205 या 206 ग्राम इसका वेट है। और इसमें जो है 10 बिट की 120 हर्ट्ज़ के साथ फुल HD डिस्प्ले है, 1080p यानी 1080p फुल HD इसकी 120 हर्ट्ज़ के साथ, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट इसका जो है 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ 10 बिट की इसका डिस्प्ले है। और इसका जो टच सैम्पलिंग रेट है 480 है, 480 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट है। और 800 जो है इसकी नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल यूज़ करते हैं 800 तक का इसका जो है निट्स ब्राइटनेस है, 1000 निट्स तक कंपनी बताती है कि 1000 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है अगर हम जैसे आउटडोर में यूज़ करते हैं तो बाहर जाकर। ऐसा इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी वैसे ब्राइट है आप देख सकते हैं। और इसकी अगर बात करें तो स्क्रीन की, इसकी डिस्प्ले की बात करें, गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन के साथ ही आता है। और इसमें थ्रॉटलिंग
टेस्ट इसमें करके देखी तो इसके जो है, अगर हम जो है पावर मोड के साथ ना करें, इसके बूस्ट मोड के साथ ना करें, तो इसके थ्रॉटलिंग होती है थोड़ी, लाइक इसका जो है इस प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स अगर प्रोवाइड कर रहा है तो थोड़ी बहुत थ्रॉटलिंग होगी। 75% तक ये बूस्ट मोड में भी थ्रॉटलिंग कर देता है, बट हाँ हीटिंग थोड़ा इशू मान सकते हैं, लेकिन है नहीं उतना अगर हम कहें तो, नॉर्मल यूज़ में तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ गेमिंग वगैरह में थोड़ा बहुत हो सकता है। हाँ हम इसमें एक बात बता दूँ, इसमें 120 FPS गेमिंग अनलॉक हो चुकी है। कोई भी गेम अगर 120 FPS तक सपोर्टेड है तो उसे हम खेल सकते हैं। BGMI वीनो 120 FPS में सपोर्ट नहीं करता, तो ये 90 FPS में खेल सकते हैं, बट इसमें भी सेटिंग्स जो है हमें बाय डिफॉल्ट स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ही प्रोवाइड करी जाती है। बैलेंस में भी एक्सट्रीम, HD में भी एक्सट्रीम, HDR में भी एक्सट्रीम, बट अल्ट्रा HD में अल्ट्रा प्रोवाइड करी जाती है। मैंने डाउनलोड नहीं करा, ये इसकी सेटिंग्स हैं। और हाँ इसमें जो है, जो माइक इसमें दे रखे हैं, नॉइस कैंसलेशन माइक इसमें गिवन है, ये इसकी काफ़ी अच्छी बात मेरे को लगी। और इसमें कैमरे की अगर हम बात करें, मैं तो वैसे पूरा एक गेमिंग रिव्यू दूंगा, एक और जो वीडियो बनाऊंगा, मैं इसको कैमरे के लिए लिया नहीं, बट हाँ इसका कैमरा भी अगर हम बात करें तो रियर कैमरा इसका 108 MP है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमें प्रोवाइड कर देता है। 8 MP इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 5 MP का इसका मैक्रो जो है लेंस है कैमरा का। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 MP इसका फ्रंट कैमरा है। रियर कैमरे से हम इसकी 8K वीडियोस, इसकी जो हाईएस्ट क्वालिटी है 8K में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट विद ओनली 30 FPS लिमिट। फ्रंट कैमरे में हम 60 MP से अगर हम हाईएस्ट क्वालिटी की बात करें तो 1080p में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं विद हाईएस्ट FPS 60 FPS तक ही। काफ़ी अच्छा है मतलब फ्रंट कैमरा। तो बैक में अगर हम बात करें तो मैक्रो का जो 5 MP है, और अल्ट्रा वाइड में तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि सिर्फ 8 MP, 12 तो कम से कम होना चाहिए था, बिकॉज इट्स अल्ट्रा वाइड वाला लेंस। तो चलो कोई नहीं, आगे इसकी बात करें तो MI 11 विद बॉक्स देता है, ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट है। MI 12 के साथ आना चाहिए था, बट कोई नहीं। एंड 5000 mAh के साथ ये जो है MI 11T प्रो आता है। 5000 mAh बैटरी जो कि काफ़ी देर चल जानी चाहिए मेरे हिसाब से, 5 आवर्स की तो कंटिन्यू गेमिंग बैटरी हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और इसकी जो है इम्प्रेसिव बात यह है कि इसमें अगर हम बात करें बैंड्स की, 5G बैंड्स इसमें 13 बैंड्स प्रोवाइडेड हैं, 5G के 13 बैंड्स प्रोवाइडेड हैं इसमें। गूगल डायलर इसमें आता है, तो वही अनाउंसमेंट होगी जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे कॉल के टाइम पर। तो प्राइस की इसकी हम बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर आपको फोकस हो रहा हो तो फोकस हो जा। प्राइस की अगर हम बात करें 54,999, मतलब 55,000 का ये है। और अभी जो है आपको थोड़ा 10,000 5,000 कम का मिल सकता है। अब जब वीडियो देख रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है, किस एरिया में आप रह रहे हैं उस पर डिपेंड है कि वहाँ कितने का ये मिले। एंड हाँ ये इसका टोटल, इसकी सबसे शॉर्ट वीडियो पूरे यूट्यूब पे जिसमें इसकी इतनी डिटेल्स इतने कम टाइम में दी गई है, ऐसी कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगी। इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसका गेमिंग टेस्ट करूंगा विद अ हैंड कैम और आपको दिखाऊंगा। और पहले मैं पहले से ही MI यूज़र हूँ, ये मेरा पिछला रेडमी नोट 8 प्रो है जो गेमिंग में काफ़ी लैग करता था। एंड दिस वन इज़ राइट नाउ हेयर विद मी, जो आई थिंक अब लैग नहीं देगा बिल्कुल भी जहाँ तक। हाँ ये देखो, अगर आईफोन से हम कंपेयर करें तो देर इज़ नो कंपेरिजन अगर हम गेमिंग में बात करें तो, बिकॉज आईफोन के ऑप्टिमाइजेशन अभी तक कोई ला ही नहीं पाया, बिकॉज आईफोन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खुद बनाता है एंड दिस इज एंड्रॉयड, ठीक है? तो एंड्रॉयड को आईफोन से कंपेयर ना करें। बाकी हम बात करें तो इट्स गोना बी बूस्ट, मतलब अभी तक जो देखो इसकी एमुलेट एमुलेट डिस्प्ले इसमें प्रोवाइडेड है, तो एमुलेट डिस्प्ले मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूंगा अपने खुद के फ़ोन में, क्योंकि इससे पहले मैं IP से एमुलेट में शिफ्ट हो रहा हूँ। सो आई एम गोना एन्जॉय दिस लाइक फर्स्ट टाइम फॉर माई फोन।
मेरे को मज़ा आने वाला है काफ़ी। इसका कैमरा वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छा है अगर हम बात करें। सो गाइज, हेयर वी हैव रेडमी नोट 8 प्रो एंड हेयर वी हैव 11T Pro, MI 11T Pro। कंपेरिजन बहुत लो एंड हाई वाला हो रहा है, बट फिर भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। एक साथ ही मैं क्लिक करूँगा और यूट्यूबर्स की तरह नहीं करूँगा। काफ़ी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है मुझे अभी से ही। ऊपर रेडमी नोट 8 प्रो है। अरे सॉरी, हो गया, दोबारा रिस्टार्ट करते हैं। अभी एक साथ ही मैं क्लिक करूँगा, देखते हैं कौन सा पहले खुलता है, रेडमी नोट 8 प्रो MI 11T Pro। देखते हैं, ऊपर वाला रेडमी नोट 8 प्रो है, नीचे वाला MI 11T Pro है, जो कि ओ माय गॉड ओपन हो चुका है। एंड इधर हम देखते हैं, अच्छा आई एम सॉरी, काफ़ी 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 डिफरेंस हमें देखने को मिला। अभी इसका फुल गेमिंग टेस्ट में अगली वीडियो में देखेंगे, अभी इतना ही मेरे हिसाब से बहुत है इस वीडियो के लिए। थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दें इस चैनल पे। एंड मैं इसकी एक और वीडियो डालूँगा जिसमें आपका फुल गेमिंग टेस्ट करके दिखाऊँगा मैं इसमें। थैंक यू।